So, dear students, now we are beginning with a new book, one more book, and that is sales book. We are in the process of learning subsidiary books. First, we have already covered cash book. Then we took a purchase book and purchase return book. Now, the fourth book, which is prepared in the category of subsidiary books, is sales book. सेल्स बुक में हम सारे क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जिस तरीके से परचेस बुक में हम क्रेडिट परचेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। अगर आपने गुड्स सेल किया है और क्रेडिट पे सेल किया है, कस्टमर को आपने उधार माल बेचा हुआ है, तो वो आप सेल्स बुक में लिखोगे। पर अगर आपने गुड्स को कैश में सेल किया है, मतलब पैसा लेके आपने गुड्स बेचा हुआ है, तो फिर वो कैश बुक में जाएगा। दूसरा कि अगर हम हमारी कोई असेट बेच देते हैं, बिजनेस का कोई असेट बेच देते हैं, तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा, उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनेगा। यहां पे खाली आपको इतना याद रखना है, इन सेल्स बुक वी रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली द क्रेडिट सेल्स एंड दैट इज ऑल्सो गुड्स ओनली। किसी भी तरह का कैश ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएगा। So all credit sales of merchandise are recorded in the sales journal. Cash sales are recorded in the cash book. यहाँ पे credit sales आएगा। The source document for recording entries in the sales journal are sales invoice या तो bill issued by the firm to the customer. तो जब भी हम माल बेचते हैं, अगर हम businessman हैं, अगर हम trader हैं, अगर गुड सेल करेंगे तो हम एक बिल बनाएंगे, तो उस बिल का जो नंबर होगा, वो बिल नंबर भी हमें यहाँ पे इस बुक में बताना पड़ेगा। तो वो जो बिल बनाया हुआ है क्रेडिट सेल्स का, जिसको आप इनवॉइस बोलोगे, वो एक बेज रहेगा जिसके आधार पे यहाँ पे एंट्रीज किया जाएगा। तो नॉर्मली जो अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, सारे बिल्स कलेक्ट करता है और उन बिल के आधार से वो अलग अलग बुक्स में एंट्री करता है। अगर उसके पास एक बुक डॉक्यूमेंट आ गया जिसमें लिखा हुआ है गुड्स क्रेडिट में परचेस किया से किसी से, तो वो परचेस बुक में बताएगा। फिर जो सेल्स के ट्रांजेक्शन हो गए, जिसमें क्रेडिट सेल्स का बिल्स हो गए, तो वो सेल्स बुक में लिखेगा। तो डॉक्यूमेंट को हाथ में रख के उसको अलग अलग बुक में उसको रिकॉर्डिंग करना होता है। अच्छा, सेल्स का आप देख सकते हो, सेल्स बुक का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले तो डेट आएगा, बाद में जो इनवॉइस नंबर बना हुआ है उसका नंबर आएगा, बिल का नंबर होगा। अब यहाँ पे हम माल बेच रहे हैं, तो हम हमारे कस्टमर का नाम लिखेंगे कि किस कस्टमर को हमने उधार माल बेचा हुआ है। तो नेम ऑफ द कस्टमर आएगा, देन लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस। तो अगर आप फॉर्मेट को कंपेयर करोगे, तो आगे वाला जो परचेस का फॉर्मेट था, परचेस बुक का फॉर्मेट था, और ये फॉर्मेट, दोनों में सिमिलैरिटी है, खाली एक चेंज है कि जब हम परचेस बुक बनाते हैं तो उसमें नेम ऑफ द सप्लायर लिखते हैं, नेम ऑफ द क्रेडिटर जिससे हमने परचेस किया है। पर यहाँ पे सेल्स बुक बना रहे हैं, तो सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे नेम ऑफ द कस्टमर जिसको हमने गुड सेल किया हुआ है। तो दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम थोड़े ट्रांजेक्शन ले लेते हैं और ट्रांजेक्शन के लेके इसको समझने का ट्राई करते हैं कि सेल्स जर्नल कैसे बनता है, सेल्स बुक कैसे बनता है। तो थोड़े ट्रांजेक्शंस ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया है सेल्स बुक बनता किस तरीके से। तो 2022 चल रहा है, और 2022 में चलो हम नवंबर मंथ ले लेते हैं। नवंबर मंथ को ध्यान में लेके हम सारी एंट्रीज कर लेते हैं। मान लो आपको नवंबर फर्स्ट का ट्रांजेक्शन दिया है, जिसमें लिखा है
goods of rupees 20,000 sold on cash. उसी तरीके से फिर से आपको नवंबर 3rd का ट्रांजेक्शन दिया है. नवंबर 3 में आपको बताया है गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड. सेम नवंबर 6 दिया है गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 सोल्ड टू अजय. नवंबर 8 दिया हुआ है गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 सोल्ड टू सुनील. नवंबर 9 ओल्ड टाइपराइटर सोल्ड फॉर रुपीज 1,000. तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि आपको यहां पे बहुत सारे मैंने ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं. अब इसमें से कौन से ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में जाएंगे पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं. सबसे पहले तो जो ट्रांजेक्शंस दिए हुए उसमें आप देखोगे तो पहला वाला जो ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में आपको बताया कि गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड ऑन कैश. अच्छा, कैश में आपने गुड सेल किया है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला जो है वो जाएगा कैश बुक में क्योंकि कैश सेल्स हुआ है, उसको हम कैश बुक में उसकी एंट्री करेंगे. फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन. सेकंड ट्रांजेक्शन जो दिया है आपको नवंबर 3 का गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड. तो देखो यहां पे भी हमने गुड सेल किया है और हमको चेक मिला है, तो ये ट्रांजेक्शन भी जाएगा कैश बुक में. तो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन जो है वो कैश सेल्स के है इसलिए उसको कैश बुक में लिखा जाएगा. नवंबर 6 का आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 सोल्ड टू अजय. अब ये वाला ट्रांजेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अजय वाला. एक गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 सोल्ड टू अजय, मतलब ये हमने क्रेडिट सेल्स किया है इसलिए उसको हम लिखोगे सेल्स बुक में, इसको सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे. नवंबर 8 में आपको बताया है गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 सोल्ड टू सुनील ब्रदर्स. यहां पे भी क्रेडिट सेल्स हुआ है तो इसको भी आप सेल्स बुक में बताओगे. एंड द लास्ट वन ओल्ड टाइपराइटर सोल्ड फॉर रुपीज 1,000. एक ओल्ड टाइपराइटर था जो हमने 1,000 में सेल किया. देखो टाइपराइटर सेल किया है, गुड्स सेल नहीं किया है इसलिए हम उसको सेल्स बुक में तो नहीं लिखेंगे. अब ये टाइपराइटर सेल किया है तो आपको 1,000 का कैश मिला होगा इसलिए लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है उसको आप कैश बुक में बताओगे. इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने टाइपराइटर सेल किया है तो डेफिनेटली हमको कैश मिला होगा, कैश का रिसिप्ट हुआ होगा इसलिए वो कैश बुक में जाएगा. तो मैंने अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन आपको बताए जिसमें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुआ. अब हमारा काम है आज सेल्स बुक समझना, तो सेल्स बुक बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए सेल्स बुक रियलिटी में किस तरीके से बनता है. तो जैसे मैंने अभी आपको सेल्स बुक के बारे में बताया कि सेल्स बुक में खाली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक के अंदर कैश सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होता है. कैश सेल्स ऑफ गुड्स जो होता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. अच्छा, सेल्स बुक के कॉलम क्या होंगे? तो पहला कॉलम डेट होगा, दूसरा कॉलम होगा आपका इनवॉइस नंबर, जो आपने सेल किया गुड्स तो आपने कस्टमर को इनवॉइस दिया होगा तो उसका जो नंबर होगा वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे बताओगे. बाद में
आप कस्टमर का नाम लिखोगे कि किस कस्टमर को आपने माल सेल किया है, तो नेम ऑफ द कस्टमर आएगा यहाँ पे। लेजर फोलियो का कॉलम तो सभी फॉर्मेट में होगा ही, और लास्ट अमाउंट का कॉलम होगा। तो वन बाय वन हम सब लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले डेट आएगा, बाद में इनवॉइस नंबर आएगा। अब ये दोनों कॉलम परचेज बुक में लो या सेल्स बुक लो, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे थर्ड कॉलम आएगा नेम ऑफ कस्टमर, जबकि हम परचेज बुक में लिखते थे नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि यहाँ पे तो हम कस्टमर को बेच रहे हैं इसलिए कस्टमर का नाम लिखेंगे। लेजर फोलियो और लास्ट में रहेगा आपका अमाउंट। तो इस तरीके से कॉलम्स बनेंगे। कॉलम्स बनाने में गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यह हम बना रहे सेल्स बुक। सेल्स बुक में खाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे ऊपर बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए हैं, तो देखो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में जाने वाला है, तो फर्स्ट वाला तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे नहीं, वो कैश बुक में करेंगे। सेकंड वाला ट्रांजेक्शन भी हमने कैश बुक का बताया क्योंकि उसमें कैश सेल्स है, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड वाला जो आपका ट्रांजेक्शन है, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन जिसमें क्रेडिट में सेल हुआ है, तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे। नवंबर 8 वाला ट्रांजेक्शन जो सुनील ब्रदर्स वाला है, तो वो भी क्रेडिट सेल्स है, रिकॉर्ड करेंगे। और जो लास्ट वाला कॉलम है जिसमें हमने टाइपराइटर सेल किया है, असेट सेल किया है, कैश में सेल किया है, तो वो कैश बुक में जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ट्रांजेक्शन आएंगे। एग्जाम में भी आपको देखना है कि आपको क्या पूछा हुआ है, और इस तरह से डिसाइड कर लेना है कि कौन सी आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे नवंबर 6 वाला ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो आपको ईयर लिख लेना होता है, फिर जो भी मंथ हो वो मंथ लिखना है, और यहाँ पे डेट दिया है नवंबर 6, तो नवंबर 6 का हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपने कस्टमर को माल बेचा होगा तो बिल का नंबर होगा, तो वो बिल नंबर जो भी आपको दिया है वो लिखना है, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। मान लो बिल का नंबर 46 है, मैंने एक लमसम नंबर दे दिया, तो दिया है तो लिखना है, अदरवाइज आपको ब्लैंक रखना है। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर कौन है, तो नवंबर 6 में आप देख रहे हो कि आपने अजय को माल बेचा हुआ है, तो आप लिखोगे अजय, नेम ऑफ द कस्टमर इज अजय भाई। लेजर फोलियो में आपको कुछ लिखना नहीं है, और अमाउंट वाले कॉलम में आप लिख दोगे 8,000। तो ये आपका हो रहा है नवंबर 6 का ट्रांजेक्शन। बाद में नवंबर 8 है हमारे पास, तो नवंबर 8 में हम बताएंगे कि नवंबर 8 में हमने इसको माल सेल किया हुआ है। तो नवंबर 8 में आपने सुनील ब्रदर्स को गुड सेल किया हुआ है, तो आप लिखोगे नेम ऑफ कस्टमर में सुनील ब्रदर्स। ऐसे तो बिल का नंबर होता है, पर मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन में अगर आपको बिल नंबर दिया है तो वो लिखना है। मान लो इस बिल का नंबर है, मान लो 32 है, तो वो बिल नंबर जो भी होगा वो आपको लिखना है, अगर नहीं दिया है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो आप। उसके बाद उसकी अमाउंट आपको बता दोगे, तो यहाँ पे अमाउंट हमको दिया हुआ है 7,000 रुपीज। उसके अलावा जो बाकी के ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड तो हो गए पर दूसरी बुक्स में हो गए, जिसका नाम है कैश बुक, तो वो कैश बुक में जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम उसको नहीं लेंगे। बाद में आप इसका टोटल कर दोगे और ये होगा टोटल क्रेडिट सेल्स। ये हमारा क्रेडिट सेल्स है, इसलिए आप टोटल क्रेडिट सेल्स लिखोगे और टोटल बनेगा इसका 15,000। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप टोटल करते हो तो टोटल के ऊपर नीचे आपको लाइन ड्रॉ कर देना है, ऊपर एक लाइन लेना होता है, नीचे दो लाइन आएगा, इस तरीके से दो लाइन आप ड्रॉ कर दो। तो ये हो गया आपका सेल्स बुक। चलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, सेल्स बुक में? एनी डाउट? ओके।
सो सेल्स बुक अभी हमने प्रैक्टिकली बना के देखा। अब नेक्स्ट हमारा जो बुक अब आ रहा है उसका नाम है सेल्स रिटर्न बुक। तो नेक्स्ट बुक है आपका सेल्स रिटर्न बुक। जैसे हम परचेस रिटर्न बुक बनाते हैं उसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक होता है। अब होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब भी हम गुड्स सेल करते हैं उधार माल क्रेडिट में सेल किया, तो कभी कभी हमारे कस्टमर भी हमको गुड्स वापस कर देते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से बुक बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसमें कस्टमर ने हमको वापस माल वापस भेजा हुआ है। अच्छा, वो वापस क्यों भेजेंगे? वापस वो इसलिए भेजेंगे कि हमने जो गुड सप्लाई किया वो उनके डिमांड के मुताबिक नहीं होगा, या तो क्वालिटी हमारे गुड्स के बराबर नहीं होगी, या तो कोई डिफेक्ट होगी, तो वो लोग वापस कर देंगे। तो समटाइम गुड्स सोल्ड कैन बी डिफेक्टिव या तो ऑफ लो क्वालिटी एंड हेंस द कस्टमर मे रिटर्न देम। दस गुड्स सोल्ड दैट आर रिटर्न बाय द कस्टमर और बायर आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप ट्रेडर हो और आपके कस्टमर ने अगर आपको गुड्स वापस भेजा है, तो उसको आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, अब जब कस्टमर को हम माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है। जब उधार हम माल बेचते हैं क्रेडिट में तो वो हमारा डेटर बनता है। तो जब भी क्रेडिट में सेल्स होता है तो हमारी एंट्री बनती है डेटर्स टू सेल्स, मतलब जो भी कस्टमर होगा उसको डेटर बोलेंगे, उसका नाम लिखेंगे टू सेल्स, मतलब हम डेटर का अकाउंट डेबिट करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू मिस्टर मुकेश, तो यहाँ पे मिस्टर मुकेश मेरा डेटर हो गया, तो मैं इसकी एंट्री ऐसे करूंगा, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मुकेश को मैंने डेबिट किया 10,000 से। अब मान लो 10,000 में से मुकेश ने 2,000 का गुड्स वापस भेज दिया मुझे, डिफेक्टिव था, तो मैंने तो मुकेश को 10,000 से डेबिट कर दिया है ऑलरेडी, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2,000 का गुड्स वापस आया तो 2,000 की अमाउंट से मुकेश को मैं क्रेडिट कर दूंगा, उसकी क्रेडिट इफेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 10,000 का माल बेचा था उसमें से 2,000 का गुड्स उसने वापस कर दिया है। तो अब मुकेश को जो 10,000 डेबिट किए थे उसमें से 2,000 हम क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश 2,000 रुपीज। सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट किया? क्योंकि सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है और मुकेश को हमने क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट कर दिया? क्योंकि अब हम उससे 2,000 नहीं मांगेंगे, आउट ऑफ 10,000 वी विल आस्क फॉर ओनली 8,000। तो इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा, जब भी हमारा कस्टमर हमें माल वापस भेजता है तो उसके लिए एक नोट बनती है जिसका नाम है क्रेडिट नोट, क्योंकि हम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसको एक क्रेडिट नोट भेजेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपसे हमको इतना माल वापस मिला हुआ है एंड योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। द रिटर्न ऑफ ओनली दोज गुड इज एंटर्ड इन दिस बुक दैट वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट दिया हुआ है सेल्स रिटर्न बुक है, दिस इज अ सेल्स रिटर्न बुक। सो सेल्स रिटर्न बुक सबसे पहले डेट आएगा और यहां पे आएगा क्रेडिट नोट नंबर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब परचेस रिटर्न बुक बताया था तो वहां पे डेबिट नोट नंबर आया था, यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर आएगा। तो याद रखना है, वन मार्क्स में या तो एमसीक्यूज में आपको ये आ सकता है ये चीज, या तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये बहुत काम में आएगा। परचेस रिटर्न बुक में आप डेबिट नोट लिखोगे और सेल्स रिटर्न में आप क्रेडिट नोट लिखोगे। यहाँ पे हमें गुड सप्लायर नहीं, हमारा कस्टमर हमें वापस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ कस्टमर, जबकि परचेस रिटर्न बुक में हम नेम ऑफ सप्लायर लिखते थे, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। तो इस तरीके से इसके कॉलम्स है। अब मैं थोड़ी ट्रांजेक्शन ले लेता हूं।
2022 मान लो दिसंबर मंथ की इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, दिसंबर मंथ की हमें इंफॉर्मेशन दी है 2021 और दिसंबर मंथ के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शंस दिए हुए डेट के साथ। फर्स्ट दिसंबर का आपको ट्रांजेक्शन दिया है गुड्स ऑफ रुपीस 5000 सोल्ड, एक तो ये ट्रांजेक्शन है। थर्ड को आपको दिया हुआ है गुड्स ऑफ रुपीस 6000 परचेस, फिर आपको 8 दिसंबर का ट्रांजेक्शन दिया है गुड्स ऑफ रुपीस 4000 सोल्ड टू नवनीत, नाइन दिसंबर को हमको बताया है गुड्स ऑफ रुपीस 9000 परचेस फ्रॉम फरहान, टेन दिसंबर को आपको बताया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय नवनीत रुपीस 1000 एज डिफेक्टिव, मैं अलग अलग ट्रांजेक्शन ले रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कौन सी आइटम कहां पे रिकॉर्ड होगी। चलो इतने ट्रांजेक्शंस मैंने यहाँ पे आपको बताया, अब डिसाइड करते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड होगी। देखो क्वेश्चन में आपको बहुत तरह के ट्रांजेक्शंस दिए जाएंगे, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड्स ऑफ रुपीज 5000 सोल्ड। देखो ये कैश सेल्स है क्योंकि कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है और आपको खाली एक इंफॉर्मेशन दी है कि 5000 का गुड सेल किया, मतलब आपने कैश में सेल्स किया होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जाएगा हमारा कैश बुक में, और दूसरा हमने सेल किया है तो हमको इनकम होगी तो रिसिप्ट साइड जाएगा कैश बुक में, रिसिप्ट साइड आप उसको रिकॉर्ड करोगे। बाद में आपको दिया है गुड्स ऑफ रुपीज 6000 परचेस, तो ये भी एक सिंपली कैश परचेस है क्योंकि कोई भी नाम आपको दिया नहीं हुआ है और खाली बताया है कि आपने 6000 का माल खरीदा तो डेफिनेटली हमने कैश में ही परचेस किया होगा, तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी आपका जाएगा कैश बुक में और परचेस किया है इसलिए आप उसको पेमेंट साइड लिखोगे, पेमेंट साइड कैश बुक में बता दोगे। दिसंबर 8 को आपको बोला कि गुड्स ऑफ रुपीज 4000 सोल्ड टू नवनीत। अब देखो ये सेल्स है और नाम भी दिया है और कहीं पे भी बोला नहीं इस ट्रांजेक्शन में कि हमको कैश मिला नवनीत से, तो डेफिनेटली ये क्रेडिट सेल्स है इसलिए आप उसको बताओगे सेल्स बुक में, सेल्स बुक में आप उसको बताओगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, सेल्स बुक में इसको रिकॉर्ड करोगे। फिर आपको बोला है गुड्स ऑफ रुपीज 9000 परचेस फ्रॉम रोहन, अब देखो परचेस किया है रोहन, सॉरी फरहान से परचेस किया है, आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्रेडिट परचेस है कि कैश परचेस, क्योंकि कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है, पर इतना तो पता है कि फरहान को माल बेचा, तो हम यहाँ पे
बता सकते हैं कि एक क्रेडिट परचेस है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी कैश या चेक जैसा वर्ड यूज नहीं हुआ है. सो दिस इज अ क्रेडिट परचेस, तो इसको आप परचेस बुक में रिकॉर्ड करोगे. क्रेडिट परचेस परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा. 10 नंबर का जो हमारा ट्रांजेक्शन है, गुड्स रिटर्न बाय नवनीत ₹1000 एज डिफेक्टिव. हमने नवनीत को 8 दिसंबर को माल बेचा था, उसमें से नवनीत ने हमको 1000 का माल वापस किया, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न हुआ, इसलिए इसको हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स रिटर्न बुक में इसकी एंट्री जाएगी. इसको आप सेल्स रिटर्न बुक में बताओगे. लास्ट वाला ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेस 55,000, हमने कैश देके फर्नीचर खरीदा है, तो डेफिनेटली ये वाला ट्रांजेक्शन आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे. तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया, सब के बारे में बताया कि कौन सा ट्रांजेक्शन आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे. अब हम अभी देख रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन में से खाली एक ही ट्रांजेक्शन ऐसा है जो सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा, जिसको आप सेल्स रिटर्न बुक में बता दोगे. अभी मैं आपको बता देता हूं सेल्स रिटर्न बुक किस तरीके से बनता है. सेल्स रिटर्न बुक का सबसे पहले का कॉलम होता है डेट का कॉलम होगा, दूसरा वाला कॉलम जो होगा उसमें क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाएगा, फिर नेम ऑफ द कस्टमर जिसने हमको माल वापस किया उसका नाम लिखा जाएगा, लेजर फोलियो नंबर आएगा, और लास्ट में आपको आएगा अमाउंट का कॉलम. तो ये सारे कॉलम्स यहां बनते हैं. सबसे पहले डेट लिखोगे आप, डेट के बाद आप क्रेडिट नोट नंबर लिखोगे, क्रेडिट नोट का नंबर आएगा, फिर जिस कस्टमर ने माल रिटर्न किया उसका नाम लिखना होता है, तो आपको लिखना है नेम ऑफ कस्टमर, एन अमाउंट. ये आपके फॉर्मेट हो गया. हम पढ़ रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक. सेल्स रिटर्न बुक का मैंने आपको फॉर्मेट बताया, मिडल में आपको इस तरीके से टाइटल दे देना है सेल्स रिटर्न बुक. अब देखो क्वेश्चन में तो आपको बहुत कुछ दिया होगा, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन जाएगा. तो हमें बताया खाली 10 नंबर का ट्रांजेक्शन जो दिया है, 10 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है वो हमें लिखना है. तो डेट में आपको सबसे पहले साल लिख देना है, फिर ईयर लिख देना है, और 10 नंबर का ट्रांजेक्शन है तो 10 नंबर का ट्रांजेक्शन आप बताओगे दिसंबर 10. क्रेडिट नोट नंबर क्वेश्चन में दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो. जैसे कि क्रेडिट नोट मैंने एक लमसम दे दिया है, 78 नंबर का क्रेडिट नोट नंबर बनाया हुआ है. कस्टमर का नाम क्या है, तो कस्टमर का नाम है नवनीत, नवनीत ने हमको गुड्स वापस किया है. कितने का गुड्स वापस किया है, 1000 का गुड्स वापस किया है, तो 1000 आप यहां पे रिकॉर्ड कर दोगे. तो आपको यहां पे 6 ट्रांजेक्शन दिए, उसमें से खाली एक ही ट्रांजेक्शन ही सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा. अगर ज्यादा होते तो हम इसी तरह से रिकॉर्ड करते हैं. जो आपका आएगा उसको बोलोगे आप टोटल सेल्स रिटर्न, पर्टिकुलर मंथ में या तो पर्टिकुलर टाइम के बाद इतना सेल्स रिटर्न हुआ है वो आप टोटल करके बता सकते हो. तो ये आपका हो गया सेल्स रिटर्न बुक. ऑलवेज कीप हैबिट ऑफ ड्रॉइंग टू लाइंस बिलो द टोटल. चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? नो सर. ओके थैंक यू.
अब हमारा जो नेक्स्ट बुक है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और उसके पहले मैं आपको फिर से हमारे पिछले लेक्चर्स में ले जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी हम सब्सिडियरी बुक्स सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सब्सिडियरी बुक्स में यहाँ पे टोटल आपको एट टाइप्स के बुक्स दिए हुए हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते होंगे कि सब्सिडियरी बुक्स में कैश बुक आता है, परचेस बुक आएगा, सेल्स बुक आएगा, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। कैश बुक हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, आज मैंने आपको परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक बताया। अच्छा, मैंने बताया उसका मतलब ये नहीं कि आज ही खत्म हो गया, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम इन सब बुक को अलग अलग ट्रांजेक्शन लेके सीख पढ़ते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक दो एक्सरसाइज ले लिए और चैप्टर खत्म, नहीं, ऐसा इस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस हमें चाहिए, तो हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब हम बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक पे अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक अलग से चैप्टर होता है बिल्स रिसीवेबल का, वहां पे इसको समझना है। अब हम लास्ट वाली बुक में जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। तो देखो, जो ट्रांजेक्शन ऊपर की सेवन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो परचेस बुक में आप बता नहीं सकते, सेल्स बुक में आप बता नहीं सकते, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल में बता नहीं सकते, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उनको फिर लिखना कहाँ है? तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो जर्नल प्रॉपर में जाएंगे, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं ताकि आपको आइडिया है। मान लो आपके बिजनेस में जो गुड्स था उसको आग लग गई और उसमें आपको 1000 का लॉस हुआ, मतलब गुड्स ऑफ रुपीज 1000 बर्नड बाय फायर, या तो ऐसा समझ लो कि 1000 का गुड्स कोई चोरी करके ले गया, गुड्स ऑफ 1000 लॉस्ट बाय फायर है, या तो गुड्स ऑफ 1000 थेफ्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी से चला गया। अब माल तो बिजनेस से चला गया है, ना तो कैश मिला है, तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सेल्स भी नहीं है तो सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो फिर इसको रिकॉर्ड कहां करेंगे? तो इस तरीके के ट्रांजेक्शंस जो है वो आप कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल प्रॉपर में, जिसमें आप सिंपली एक जर्नल एंट्री पास कर दोगे, जिसमें आप बताओगे कि गुड्स लॉस हुआ है थेफ्ट से या तो फायर से। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होकर पाते, उनके लिए हमें बनाना होता है जर्नल प्रॉपर। तो अभी जो हमारा लास्ट वाला बुक है जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर, तो चलो जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा देख लेते हैं। अ बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अ स्पेशल जर्नल, मतलब सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न बुक, जो वहां पे नहीं आएंगे, तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल प्रॉपर बनता है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री। जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में जो भी आप असेट्स लाए हो, उस असेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री बनती है, अगर आपने कोई रेडीमेड बिजनेस खरीद लिया है तो रेडीमेड बिजनेस किसी का खरीदोगे आप, तो उसमें आप उस बिजनेस की असेट्स भी खरीदोगे, लायबिलिटीज भी खरीदोगे, तो वो सब रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री होती है उसे ओपनिंग एंट्री बोलेंगे। तो ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होती है जर्नल प्रॉपर में, जिसमें आपको ऐसा बताया होगा कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख, बिल्डिंग रुपीज 5 लाख, फर्नीचर रुपीज 50,000, व्हीकल्स रुपीज 10,000, क्रेडिटर्स ऑफ 50,000, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होगी कि इन सबको लेके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एंट्री बनता है जिसको ओपनिंग एंट्री बोलेंगे। फिर है एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, एडजस्टमेंट एंट्रीज में
जो आप ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट में जब फाइनल अकाउंट हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो पूरे साल में हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, या तो कुछ गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उनके लिए हमको एक एंट्री लिखना होता है जिसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपके सारे अकाउंट्स बना दिए आपने, 31 मार्च आ गया, अब आप क्लोजिंग के नजदीक हो, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो, तब आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में, आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, 5,000 का स्टॉक्स पड़ा हुआ है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो उसको हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी होगी। फिर आपको पता चलता है कि किसी वर्कर का मान लो 2,000 रुपया सैलरी पे करना बाकी है, 2,000 रुपया सैलरी वर्कर का पे करना बाकी है और जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांजेक्शन आप ऊपर वाली जो बुक्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, तो उनके लिए आपको जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। फिर होता है रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होता है कि कभी कभी जल्दी जल्दी में अकाउंट लिखते वक्त अकाउंटेंट गलती कर बैठता है, गलत डेबिट हो जाता है, गलत क्रेडिट हो जाता है, अमाउंट गलत लिख देता है, 5,000 की जगह पे मान लो 50,000 गलती से लिख देता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, या तो 5,000 की जगह 500 रुपया लिख दिया, गलत डेबिट कर देता है, जैसे कि मशीनरी डेबिट करना होता है और वेजेस डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट करना होता है गलती से डेबिट कर दिया। तो ऐसी छोटी छोटी गलती अकाउंटेंट कभी कभी कर लेते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिजी पर्सन। वन अकाउंटेंट इज हैंडलिंग सो मेनी ट्रांजेक्शन ऑफ डिफरेंट बिजनेस हाउसेस, तो ऐसा होता है। तो अब क्या करना होता है, जहां पे गलती हुई है वो अगर पता चलता है तो उसको रेक्टिफाई करना होता है, उसको सुधारना होता है, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आती है, तो वो आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। और लास्ट में है ट्रांसफर एंट्रीज। जब आपका बिजनेस साल का एंड होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज होने वाले होते हैं तब जो एंट्रीज की पास ऑन होती है उसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो ऊपर की सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाएंगे।